हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज पोल्ट्री का मेरा 37वां दिन चल रहा है। 37वां दिन के हिसाब से जो एवरेज बॉडी वेट आया वो है 2 किलो 400 करके, ठीक है। तो मतलब वो बढ़िया है, मतलब 40 दिनों में लगभग 2600-2700 करके हो जाएगा। तो उससे हम लोगों का फ़ायदा बहुत होता है, ठीक है। विंटर सीजन में यही एक फ़ायदा है कि बर्ड्स को अगर आप ज़्यादा दिन फार्म में रख पाएंगे तो उससे आपको मीट जो है थोड़ा ज़्यादा मिलता है और आपका जो खर्चा मतलब FCR जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो उससे हम लोगों का यही फायदा विंटर सीजन में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, मतलब जो मीट है मीट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और नुकसान बोलिए मतलब बड़ा वाला चिक्स में मोर्टेलिटी थोड़ा सा कम होता है छोटा चिक्स के मुकाबले, क्योंकि विंटर सीजन में जो मोर्टेलिटी होता है वो छोटा चिक्स जब मतलब 10-12 दिन तक हो जाता है वो, तो उसके बाद अगर आप ठीक तरह से मैनेजमेंट कर पाएंगे तो मोर्टेलिटी थोड़ा सा घट जाता है। तो मेरा मोर्टेलिटी अभी नहीं हो रहा है, इसलिए सोच रहा है कि 4-5 दिन और रख दूँ बर्ड्स को फार्म में, तो उससे हम लोगों का जो मीट है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हम लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो अभी जैसे ही 37वां दिन चल रहा है, 37वां दिन में मैं मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और मेडिटेशन में अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, जस्ट वाटर सैनिटाइजर यूज़ कर रहा हूँ फटके भी, ठीक है। मैनेजमेंट पे मैं ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि अभी रात का टाइम में, ठीक है, कोहरा थोड़ा सा आ रहा है। अगर कोहरा फार्म में अंदर घुसेगा चिक्स में, अगर वो जाएगा कोहरा, तो उससे चिक्स में CRD CCRD आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और दिन के टाइम मतलब दिन होते ही मैं पर्दा जो है पर्दा को ऊपर उठा देता हूँ, जाके फार्म के अंदर जो गैस है वो गैस निकल जाए और ऑक्सीजन का कमी ना हो। तो ऑक्सीजन का कमी होने के वजह से चिक्स के अंदर पानी भरने लगता है, तो वो मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है जाके बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और चिक्स अभी मतलब कोई बीमारी नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कि 4-5 दिन और रख दूँ। लिफ्टिंग को अभी तक फ़ोन नहीं किया क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ठीक है। लिफ्टिंग को फ़ोन करते ही चिक्स जो है वो उठा लेता है, तो इसलिए मैं अभी फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे कि चिक्स अभी बढ़िया है, ठीक है, तो मैं और 4-5 दिन रखने वाला हूँ चिक्स को, जाके मेरे को और 4-5 क्विंटल मीट जो है वो ज़्यादा हो और मेरे को मुनाफा ज़्यादा हो, ठीक है। तो उतना ही मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है, क्योंकि बड़ा वाला चिक्स में अगर ठंड के जैसा कुछ बीमारी आ जाएगा तो उसमें परेशानी का बात आ सकता है। और आपको सबसे बड़ा चीज़ है ये, इस पर ध्यान देना होगा कि आपका चिक्स जो है वो फीड इनटेक सही से कर रहा है कि नहीं, मतलब कल जो फीड आप दे रहे हैं उसको ख़त्म करके आज जो दे रहे हैं वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, मतलब उससे ही आपको पता चलेगा कि चिक्स जो है फीड इनटेक उसका जो पावर है वो घट रहा है। अगर घट रहा है तो आपको तुरंत चिक्स जो है उठा देना चाहिए, क्योंकि अभी आपका बोलिए पेट का मतलब चिक्स का पेट का प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू आपका 35 डेज 40 डेज वो फीड इनटेक करने के बाद उसका जो हजमी है, ठीक है, डाइजेशन पावर है वो थोड़ा सा घट जाता है, तो इसलिए वो फीड इनटेक करना थोड़ा सा छोड़ भी सकता है, ठीक है। अगर छोड़ दिया तो उसमें परेशानी का बात आ सकता है, क्योंकि उसमें उतना मीट और नहीं आएगा और चिक्स का जो हेल्थ है वो थोड़ा सा घट जाता है, वेट थोड़ा सा घट जाता है। तो उससे ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि फीड इनटेक का जो पावर है, फीड इनटेक जो करता था पहले वो अभी भी कर रहा है या फिर थोड़ा सा कम रहा है। अगर कम रहा है तो आप बर्ड्स को लिफ्टिंग जरूर कर दीजिए, क्योंकि उससे बाद आपका 2-3 दिन के बाद आपका मीट जो है उतना बढ़ नहीं पाएगा और चिक्स हल्का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं अभी रख रहा हूँ, मेरा अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी रख रहा हूँ चिक्स को। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप लिफ्टिंग कर दे सकते हैं। तो दोस्त, मैं ऐसा ही मैनेजमेंट आज कर रहा हूँ 37वां दिन में, और मेडिटेशन में अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, जस्ट वाटर सैनिटाइजर यूज़ कर रहा हूँ फटके भी, ठीक है। तो दोस्त, मैं इसी के साथ ये जो मेरा वीडियो है ये समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाकर हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा ये सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय हिंद।